बिहार बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी के सात विधायकों ने पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल होने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक ये विधायक पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज हैं। इससे पहले बीजेपी के विधायक अमरनाथ गामी ने सुशील मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी ने अमरनाथ गामी को सस्पेंड कर दिया है। सुशील मोदी पार्टी के को हाईजैक कर लिया, पार्टी सिद्धांत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। सुना आपने, ये अमरनाथ गामी है, गया के हायाघाट से बीजेपी के विधायक। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी में बगावत की ये पहली आवाज है। गामी ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। हमको लगता है पूरा प्रदेश त्रस्त है उनसे, क्योंकि कमजोर इंसान से सब लोग चाहता है कि जिसका जो प्रभावित क्षेत्र है उतना ही दूर रहे। ये तो पंचायत स्तर का नेता है और प्रदेश स्तर पर लंबा लंबा कुर्सी छेके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ गामी नीतीश के करीबी माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के कहने पर ही गामी को बीजेपी से टिकट मिला था। अब अमरनाथ गामी बीजेपी का दामन छोड़ नीतीश का दामन थामना चाहते हैं। अमरनाथ गामी ही नहीं, छह से सात और ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी से नाता तोड़ जेडीयू में जाना चाहते हैं। अमरनाथ गामी की बगावत के संकेत बीजेपी को पहले ही मिल चुके थे। ऐसे में सुशील मोदी ने एक दिन पहले ही बगावत करने वालों और जेडीयू दोनों को अल्टीमेटम दे दिया था। तो जितना विकेट उधर से गिरेगा उतना विकेट उधर से गिरेगा। ऐसा थोड़ी भी विकेट एक ही तरफ गिरता, मैच होता तो विकेट दोनों तरफ से गिरता है। अब आपको मालूम पड़ेगा किधर का विकेट ज्यादा गिरा है, लेकिन जितना विकेट वो गिराएंगे उसका दोगुना विकेट हम गिराएंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं रहने वाले। बीजेपी और जेडीयू के तलाक के एक महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। उन्हें जेडीयू में बगावत का डर सता रहा है। शिशिर चौबे, पटना, इंडिया न्यूज़।